बीते शुक्रवार की शाम लखनऊ के मलियाबाद के रहमत नगर इलाके में एक जमीनी विवाद में चाचा ने रिश्तों को तार-तार किया अपने ही भतीजी और उसके बेटे को गोली मार दी और उसके बाद बीच बचाव में आए भतीजी के देवर को भी नहीं छोड़ा उसको भी गोली मार दी मलियाबाद में हुए इस ट्रिपल मर्डर से लखनऊ में पुलिसिंग पर सवाल खड़े होने लगे दिनदहाड़े हुई इस वारदात का पूरा सीसीटीवी लोगों के सामने आया तो हर कोई कह रहा था कि सत्तर साल का बुजुर्ग जो राइफल लेकर गोली मार रहा है यह कौन है लखनऊ पुलिस के लिए इन दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी एक चैलेंज बन गई थी लेकिन छत्तीस घंटे की मशक्कत के बाद लखनऊ पुलिस ने इस तेरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी लल्लन उर्फ सिराज और उसके बेटे फराज को गिरफ्तार कर लिया है लल्ल और सिराज की बात करें कि अस्सी के दशक का एक ऐसा लखनऊ का मनबड़ गुंडा बदमाश था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने बाहुबल के दम पर जमीनें कब्जाई मलिहाबाद काकोरी माल इलाके में लोगों को जब चाहा जहां चाहा मारा पीटा धमकाया और हत्याएं भी करवाई सिराज के दो बेटे पोलैंड में हैं तीसरा बेटा फराज जो इस हत्याकांड में बराबर का शामिल था पहले गोली लल्ला ने चलाई और उसके बाद उसके राइफल छीन गोली मारी पिता-पुत्र दोनों फरार थे इनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई पांच टीमें लगाई गई सर्विलांस की मदद ली गई और जिसका नतीजा था कि इनकी गिरफ्तारी हो पाई लेकिन गिरफ्तारी से पहले पुलिस को लंबे रूट तक इनको चेज करना पड़ा नेपाल पोलैंड तमाम जगहों पर इसके अपने करीबी होने के चलते पुलिस को शक था कि कहीं ये नेपाल न भाग जाए कहीं ये पोलैंड न भाग जाए लिहाजा पुलिस ने एहतियात के तौर पर देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जहाँ से पोलैंड के लिए फ्लाइट मिलती है वहां पर अलर्ट जारी किया इन दोनों ही आरोपियों की तस्वीरें एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजी गई और इस बीच सर्विलांस के जरिए लोकेशन इनकी मुरादाबाद में मिली लखनऊ पुलिस की टीम मुरादाबाद रवाना की गई लेकिन ये बीच में कानून के सामने सरेंडर करने के लिए लखनऊ आ गए और लखनऊ पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को दुबग्गा इलाके से गिरफ्तार कर लिया लखनऊ पुलिस का कहना है कि अब इन दोनों ही आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाया जाएगा अपराध से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की होगी वहीं दूसरी तरफ अभी इस पूरे मामले में एक चौथा आरोपी फुरकान फरार है जिसकी गिरफ्तारी होना बाकी है इस तेरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले चार नामजद आरोपियों में तीन की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी एक चौथा आरोपी फुरकान जो मुख्य आरोपियों का बेहद करीबी है और घटना में बाइक से पहुंचा था उसकी गिरफ्तारी होना बाकी है पुलिस का कहना है कि हम जल्द उसे भी गिरफ्तार करेंगे